हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन पंजाबी गर्ल नंद्री। गाइस, आज आपके लिए मैं काफ़ी यूजफुल वीडियो लाई हूँ। ये कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप यंग दिख सकते हैं। यंग होना किसको नहीं अच्छा लगता, लेकिन समय तो अपनी गति से चलता है। सो क्यों ना हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसा चेंज करें कि हम समय को मात देते हुए यंग दिखें। तो ये कुछ टिप्स लाई हूँ मैं आपके लिए, जो कि आपको यंग दिखाएंगे, स्मार्ट दिखाएंगे, एज वेल एज स्टाइलिश भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो गाइस आपको करना क्या है कि आप ऑलवेज जो है अपने बालों को स्ट्रेट लुक दें। जो स्ट्रेट लुक होता है वो आपको यंग दिखाता है। यस गाइस, आप कभी भी अपने बालों को स्ट्रेट करेंगे तो आपको एक यंग सा लुक ज़रूर प्रोवाइड होगा। आप क्या करें, आप अपनी पिक्चर क्लिक कर लीजिए नॉर्मल हेयर में और स्ट्रेटनिंग हेयर में। देखिए, यहाँ मॉडल ने एक तरफ नॉर्मल हेयर करे हैं और एक तरफ स्ट्रेटनिंग करी है। स्ट्रेटनिंग से ये लुक है वो बहुत ही स्मार्ट और स्टाइलिश भी दिखता है, साथ में आपको आप थोड़े से यंग दिखते हो अपनी एज से। तो गाइज, ये ज़रूर ट्राई करना। और नेक्स्ट जो टिप्स हैं वो हमेशा जो अपने बालों की पार्टीशन है वो आप थोड़ी साइड से निकालें। अगर आप सेंटर में से निकालेंगे तो वो थोड़ा सा आपको ओल्ड सा लुक देता है, लेकिन अगर आप इसको साइड पे पार्टीशन करेंगे तो आपको यंग लुक देगा और एक स्मार्ट सा लुक देगा। ये वाला हैक आप ज़रूर ट्राई करके देखना। जिस तरह से यहाँ आप मॉडल्स की पिक्चर भी देख सकते हैं, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क दिखाई देगा। आप फर्स्ट वाली पिक देखिए और ये नेक्स्ट वाली पिक देखिए, इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। नेक्स्ट टिप्स है लिप्स के लिए। गाइज, अगर आप डार्क कलर की लिपस्टिक लगाते हैं तो ये भी आपको एक यंग लुक दिखाते हैं। अगर आप लाइट कलर की लगाते हैं तो आप वो थोड़ा सा ओल्ड लुक देता है। नेक्स्ट टिप्स जो है वो आपके इयररिंग के बारे में है। गाइज, अब आप जब भी कभी इयररिंग पहने, अगर आप हैवी इयररिंग पहन रहे हैं तो गाइज आप क्या करें, अगर आप हैवी इयररिंग डाल रहे हैं तो आप नेकलेस में थोड़ा सा लाइट डालें, इससे आप ज़्यादा यंग दिखेंगे। अगर आपने गले में भी थोड़ा सा भारी डाला है, आप इयररिंग्स भी भारी डाल रहे हैं, मांग टीका भी डाला है, ऑल ओवर आपने सब कुछ डाल लिया है, तो आप उससे थोड़ा सा ओल्ड लुक देंगे। तो प्रेफर करें कि एक ही चीज़ आप डालें। नेक्स्ट जो टिप्स हैं वो है सूट्स के बारे में। गर्ल्स को सूट्स पहनना सभी गर्ल्स को बहुत पसंद होता है। कुछ ओकेजनली पहनते हैं, कुछ वैसे पहनते हैं। तो आप करें क्या करें, ऑल ओवर सूट मत पहनिए, इससे आप थोड़े से ओल्ड दिखेंगे। इसके बजाय आप कंट्रास्ट में सूट पहने, उससे आपका लुक यंग भी दिखेगा। जिस तरह से हमारी मॉडल ने देखिए पहना हुआ है, ये ऐसे आप कोई भी कलर का कंट्रास्ट कर सकते हैं, वो आप पे बहुत सूट करेगा। देन नेक्स्ट टिप जो है वो आपके फुटवेयर के बारे में है। जब भी आप पेंसिल हील पहनते हैं इस तरह से, जिस तरह से ये मॉडल ने पहनी हुई है, ये भी आपको स्मार्ट लुक, स्टाइलिश और यंग दिखाता है। तो आप हमेशा अपने वार्डरोब में इस तरह की जो है सैंडल्स ज़रूर रखें, चाहे तो गाइस इस तरह की हील आप ज़रूर प्रेफर करें। इस तरह की हील जो होती है वो आपको बहुत स्मार्ट लुक दिखाते हैं। आप इस तरह की हील भी ट्राई कर सकते हैं, ये कंफर्टेबल भी होती हैं और काफ़ी आपको स्टाइलिश लुक भी देती हैं। और ये जो ब्लैक वाली हील है, ये सभी सूट्स के साथ, सभी ड्रेस के साथ बहुत अच्छी मैच करती है। नेक्स्ट ये देखिए, जो इस तरह के फुटवेयर होते हैं वो कम्फर्टेबल तो बहुत होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ओल्ड लुक दिखाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। नेक्स्ट जो टिप्स हैं वो है जीन्स के बारे में। गाइस, जीन्स तो सबको पहननी अच्छी लगती हैं। आप क्या करें, जब भी आप जीन पहने, आप थोड़ा सा नी से ऊपर पहने, वो बहुत सुंदर स्टाइलिश लुक देती हैं। नेक्स्ट जो टिप्स हैं वो है बैंगल्स के बारे में। बहुत सारी, खूब सारी बैंगल्स मत डालें इस क्योंकि ज़्यादा ये थोड़ा सा ओल्ड लुक दिखाती है आपको। अब इसकी बजाय क्या करें, आप वॉच पहने, वॉच जो है आपको स्टाइलिश लुक और यंग लुक दिखाती है। अब इस हैक को भी ज़रूर ट्राई करें। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार, एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।